मेट्रोमी की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे ज्यादा इस बात को सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, चाहे उसके डैड उसके साथ ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने आयरा को उससे दूर करने के लिए जो कुछ भी आयरा के घर वालों के साथ किया, अब वो किसी हाल में भी अपने दिल में अपने डैड को जगह देने के लिए तैयार तक नहीं। वो तो इस बात को मानने के लिए तैयार तक नहीं कि उसके डैड मुबशरा को उस घर में खुश रखने के लिए अपने ही बेटे को डिसओन भी कर सकते हैं। इधर वो आयरा को इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो हर कीमत पर उसे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है, लेकिन किसी सूरत पर आयरा इस बात के लिए तैयार नहीं हो रही, क्योंकि उसे अंदाजा है कि मुबशरा उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। वो सैद से साफ साफ कह देती है कि उसके भाई के दुनिया से जाने के बाद अब वो अपनी भाभी और अपना सहारा खुद ही बनेगी, इसलिए वो किसी की मदद नहीं लेना चाहती। आयरा सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस बिजनेस पर करती है, जिसके बाद जैद सिर्फ उसकी खुशी की खातिर उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। जैद के डैड जब से उसे डिसओन करते हैं, वो उस बात की ठान लेता है कि हर कीमत पर वो खुद अपने पांव पर खड़ा होकर दिखाएगा, क्योंकि उसके डैड ने उसे जिस तरह की बातें सुनाई थी कि उसके पास अपना कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है उसके डैड का है, ये बात तो वो किसी सूरत पर भूल ही नहीं पा रहा।